भोपाल में 10 जनवरी को मध्य प्रदेश विधानसभा एवं लोकसभा प्राइड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित षष्ठम विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का समापन बुधवार को हो गया है। समापन सत्र को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आगामी 7 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों को सदन में बोलने की प्राथमिकता दी जाएगी। तोमर ने कहा कि प्रत्येक सदस्य को सदन में बोलने का अवसर मिले, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तोमर ने कहा कि शून्यकाल में लिखित सूचनाओं पर बोलने का प्रावधान अभी भी है, किंतु आगामी सत्र में यह भी निर्धारित किया जाएगा कि शून्यकाल में महत्वपूर्ण तत्कालीन घटनाओं पर भी सदस्य अपनी बात रख सकेंगे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम की सफलता में लोकसभा और विधानसभा सचिवालय की भूमिका को भी प्रतिपादित किया है। तोमर ने कहा कि इस बार 69 विधायक पहली बार चुनकर आए हैं, उन्हें एक पत्र भेजकर उनसे इस 2 दिवसीय प्रबोधन का अनुभव लिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नए विधायकों के लिए एक और प्रबोधन कार्यक्रम अगर अवश्य लगे तो उस दिशा में विचार करना चाहिए। समापन सत्र को संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सांसद एवं सभापति विशेषाधिकार समिति सुनील सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीता शरण शर्मा, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव एपी सिंह, विधानसभा के सदस्यगण, अधिकारीगण एवं पत्रकार उपस्थित थे। संवाददाता अमृता शर्मा की रिपोर्ट। छात्र हूँ, जिज्ञासु हूँ, रहूंगा। प्रबोधन से हम सबको बहुत कुछ सीखने मिला है और उसका हम बेहतर उपयोग करके और विधानसभा को और अच्छा सहयोग करेंगे। ये 500 साल के कलंक हटाने के बाद भगवान रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं। सारे निखिल ब्रह्मांड में सारे वसुधा पर खुशी है, प्रसन्नता है। आस्था और विश्वास के प्रतीक भगवान राम का सभी स्मरण कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व सहभागी होगा। अमेरिका के मुख्य स्थान पर भी ये हमारी प्राण प्रतिष्ठा दिखाई जाएगी। व्यक्ति भेद होते हैं, मतभेद होते हैं, व्यक्ति व्यक्ति के अलग विचार हो सकते हैं। हम शंकराचार्य जी को सादा चरण स्पर्श करते हैं, उनका अपना मत है, किंतु सभी ने, उन शंकराचार्य जी ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग दिया। निश्चित रूप से अलग अलग विषय के वक्ता मार्गदर्शन देते हैं कि आखिर हमको इस विधानसभा की कार्यप्रणाली से, विधायक की नीति जिसको पार्लियामेंटेरियन बोलते हैं, हम कैसे सीख सकते हैं, अपने विषयों को कैसे उठा सकते हैं, कैसे हमको चर्चा करनी चाहिए और किन विषयों का महत्व होता है, इनको लेकर के हमारा प्रबोधन हुआ है, वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिला है। उसके आधार पर हम सब लोग काम करेंगे और जो नए पहली बार जीत करके इस सदन में आए उनके लिए वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको आगे के काम करने में उसकी सुविधा होगी और जनहित के काम ज़्यादा से ज़्यादा हम करवा सकेंगे। नहीं, मैं सबसे पहले तो हमारे विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष जी को, प्रमुख सचिव को और हमारे संसदीय माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ माननीय, कि जिस तरीके से उन्होंने प्रबोधन का कार्यक्रम रखा और 2 दिवस में हमारे नव निर्वाचित विधायकों को यहाँ पे अच्छा मौका मिला सीखने का, समझने का। उसके साथ साथ जिस तरीके से प्रबोधनी, यदि यही प्रबोधनी 4 महीना 6 महीना बाद होती तो शायद इतने अच्छे हमारे विधायकगण नहीं समझ पाते, पर शुरुआत में ही जब हमारे विधानसभा सत्र का शुरुआत में ही प्रबोधनी का कार्यक्रम हो गया तो इससे वाकई में जो हमारे नए विधायक हैं उनको बहुत अच्छा नॉलेज भी हुआ और जिस तरह से संविधान का बुक दिया गया है और हम लोगों को जो बताया गया तो निश्चित ही उसे एक अच्छा सीखने का मौका मिला। पढ़ना तो है ही है पर सीखने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात है कि पूरा टाइम 2 दिन तक पूरे हमारे माननीय विधायकगण यहाँ पे उपस्थित रहे जी। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो जिस योजना का शुभारंभ किया था 10 तारीख को, हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 10 तारीख को सभी बहनों के खाते में सीधे पैसे डलते थे, वो आज भी डला है और वो मैं सभी को बहुत बधाई देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हम सब लोगों के प्रबोधन का कार्यक्रम रखा है। प्रबोधन का
साथ साथ उसमें जो विषयों का चयन है वो बहुत अच्छा था, साथ ही जो विषय प्रवर्तक जो इस पूरे विषय को हम लोगों को जिन्होंने सिखाया है उसमें चाहे शून्यकाल का विषय हो, चाहे प्रश्न किस तरह से उठा सकते हैं, चाहे बजट का विषय हो, विधायक के रूप में हमारे अधिकारों से ज़्यादा कर्तव्यों का बोध हमारे अंदर हो, और साथ ही मैं जैसे उत्तर मध्य विधानसभा जबलपुर से विधायक हूँ तो वहाँ की जनता के सेवा के लिए हम कौन कौन सी बातें कर सकते हैं, किस तरह से उनके प्रश्न उनकी समस्याओं को उठा सकते हैं, और साथ ही सकारात्मक रूप से मध्य प्रदेश के विकास में हम अपनी कैसी भूमिका निभा सकते हैं, इन सारे विषयों को लेकर हम सब लोगों का प्रबोधन हुआ है। और मुझे लगता है कि पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए ये प्रबोधन हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं एक बार पुनः आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का और आयोजक मंडल का, जो भी इस प्रशिक्षण में जो लोग सहभागी रहे, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की और हमारे बड़े बड़े नेता दोनों पक्षों के सब इस बात को कह रहे हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो मैं तो नया पहली बार चुन कर आया हूँ, मैं भी और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी सीख रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत है, संसदीय आचरण क्या होता है, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को पेश करना चाहिए और साथ ही साथ किस तरह से सड़क और सदन पे अपनी बात को रखना चाहिए, ये ज्ञान हम सबको भी मिल रहा है और सबको मिल रहा है। तो एक अच्छी शुरुआत है और आगे इस तरह की परंपरा बनी रहे, नए लोगों को सीखने का अवसर मिल रहा है और कहीं ना कहीं हम सब जनप्रतिनिधि बनकर आए हैं तो हर विधानसभा में अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो 2 लाख 2.5 लाख के आसपास जो लोगों ने विश्वास जताया है उनकी जिम्मेदारी की बात, उनकी सेवा की बात और उनकी जो जनहितकारी योजनाओं का लाभ किस तरह से दिलाएं वो सब महत्वपूर्ण है और ये विधानसभा एक ऐसा पटल है जहां से इन सब की पूर्ति की जा सकती है। किस तरह से आपका जनप्रतिनिधि उस बात को इस विधानसभा के सत्र में उठाता है, ये सब सीख मुझे भी मिली और मुझे विश्वास है कि जितने नए चुनकर प्रतिनिधि आए उनको भी मिली है। देखिए, जानकारी मिली कि लाडली बहना योजना का पैसा आज ट्रांसफर किया गया, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे जनता से किए थे उसकी अगर शुरुआत की है तो एक मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही साथ उनको ये जरूर याद रखना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश बहुत बड़े कर्ज में डूब रहा है और यदि जितना कर्ज में मध्य प्रदेश डूबेगा उसका असर भी हमारे प्रदेश की जनता के ऊपर ही पड़ेगा, कल को महंगाई बढ़ेगी और तमाम समस्याएं आएंगी, तो इसका भी निराकरण करना है और जो वादे किए हैं उसको भी निभाना है। ये चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लिए है, अगर पैसा आज उन्होंने ट्रांसफर किया है तो ये अच्छी शुरुआत है, मैं उसका स्वागत करता हूं। सारी महिलाओं का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है तो ये चिंतनीय विषय है। मेरा मानना है कि सरकार को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जितने महिलाएं जो लाडली बहना हैं और जो कहा गया था उन सबको पूरा करना चाहिए। मैं भी इस बात का नेता प्रतिपक्ष की बात का समर्थन करता हूँ।